गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, से पीछे वीडियो करी थी हमने एक, उसके अंदर चैप्टर 7 का लार्ज प्रोडक्शन का मैंने टॉपिक करवाया था। क्या था? उत्पादन के नियम। उसमें क्या था? कार्य के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल। कार्य का प्रतिफल क्या होता है बेटे? शॉर्ट पीरियड में होता है, जबकि पैमाने का प्रतिफल क्या होता है? लॉन्ग पीरियड में होता है। ठीक है, तो कार्य के प्रतिफल के मैंने क्या बताया था? एक फैक्टर था हमारे पास, उस फैक्टर के साथ, उस फैक्टर को क्या मानते थे हम? कॉन्स्टेंट मानते थे। जब कॉन्स्टेंट फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की को साथ में लेंगे तो क्या होगा? उत्पादन क्या होगा? एक टाइम तक बढ़ेगा, उसके बाद इक्वल हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या जाएगा? उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा। इसके तीन स्टेप थे। तीन स्टेप में पहला स्टेप क्या करवाया था मैंने? कार्य के बढ़ते प्रतिफल मीन इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, उसकी मीनिंग डेफिनेशन हम कर चुके हैं। उसका डायग्राम क्या है बेटे? डायग्राम में मैंने क्या बताया था? इसका मीनिंग डेफिनेशन में क्या बताया था? जब स्थिर कार्य के साथ परिवर्तनशील कार्य की इकाइयों को लगाएंगे तो हम क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, और उसकी सीमांत उत्पादकता मार्जिन प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी बेटे? इंक्रीज होगी। सीमांत उत्पादकता मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एक लेबर की जो परिवर्तनशील कारक होता है, परिवर्तनशील कारक क्या है? क्या है यहाँ पर? यहाँ लेबर है बेटे। जब हम लेबर की परिवर्तनशील इकाई की स्थिर कार्य के साथ लगाएंगे, इसकी मात्रा की यूनिट को लगाएंगे, इकाइयों को लगाएंगे, तो उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। मीन पर लेबर की क्या होगा बेटे? आउटपुट कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। हर लेबर की क्या होगी बेटे? एक लेबर ने काम किया, फिर दूसरे ने किया, तीसरे ने, चौथे ने, इस प्रकार क्या होगा? लेबर का जो काम है बेटे वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। जैसे कि टेबल है, टेबल में क्या बताया इन्होंने? इसने क्या लिया है? यूनिट्स ऑफ लेबर, एक दो तीन, क्योंकि क्या बेटे? परिवर्तनशील है ये कारक हमारे पास, क्या है? परिवर्तनशील कारक है। यहां पर क्या लेंगे? यूनिट्स ऑफ लैंड। लैंड को क्या माना है बेटे हमने? कांस्टेंट माना है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? टीपी। टीपी मीन क्या था? टोटल प्रोडक्ट होता है, मीन कुल उत्पाद होता है। और साथ में मैंने क्या बताया बेटे? मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सीमांत उत्पादकता क्या होती है? हर लेबर की अब अलग अलग एफिशिएंसी। ठीक है, जब यूनिट्स ऑफ लैंड क्या माने हमने? कांस्टेंट माना है। तो क्या है ये? स्थिर है ये। जब इस स्थिर कारक के साथ एक एकड़ जमीन सपोज किया था हमने, ज़ूम किया था, जब स्थिर कारक के साथ हम परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को लगाएंगे, उत्पादन क्या होगा बेटे? एक टाइम तो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एक लेबर ने काम किया 4, दूसरे लेबर दो मिलकर कितना काम किया? 10। तीन लेबर ने कितना काम किया है? 18। चार लेबर ने कितना काम किया है? 28। और पांच लेबर ने कितना काम किया? 40। इसका मतलब जो बेटे हमारी एक एकड़ जमीन थी, जो हमारे पास स्थिर कारक था, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट फैक्टर था, उसकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, उसकी आउटपुट है, उसकी मैक्सिमम आउटपुट कितने? 40 यूनिट्स है। यानी कि 40 यूनिट्स का क्या करता है बेटे? उत्पादन करने लग रहा है। एक एकड़ जमीन की जो एफिशिएंसी है, जितनी उसके अंदर पैदावार होनी है, वो 40 यूनिट्स है। तो पांच लेबर के द्वारा कंटिन्यू 40 जो यूनिट्स थी हमारी, जो क्वांटिटी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, पांच लेबर एडजस्टमेंट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान ले सब्जेक्ट वाइज 5 पीरियड लगते हैं हमारे, हर टीचर की 40 मिनट का, 35 मिनट का पीरियड मिलता है, उसकी अपनी कंप्लीट एफिशिएंसी से वो पूरा काम कराता, तो हर लेबर की, हर टीचर की 5 पीरियड तक की क्या होती है एफिशिएंसी? क्या होती है बेटा? इक्वल इक्वल होगी। ठीक है, वो तो कॉन्स्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? एक लेबर आया, उसने काम किया, सेकंड लेबर ने उससे भी ज्यादा काम किया, थर्ड लेबर ने क्या है? उससे भी ज्यादा काम किया, जिससे क्या करेंगे बेटे? मार्जिन प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता हमारी कंटिन्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो कैसे निकालते हैं सीमांत उत्पादकता? मैंने क्या नियम बताया था? वो टीपी पर डिपेंड करता है। टीपी क्या कहते हैं? टीपी एन माइनस में क्या करते हैं बेटे? टीपी एन माइनस 1। एन मीन क्या मानते हैं? नेचुरल संख्या मानते हैं। लास्ट संख्या मानते हैं। पीछे वाली में से अगली को हटा देंगे, अगर हम पीछे वाली में से अगली को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी? हर लेबर की एफिशिएंसी आ जाएगी। हर लेबर ने अलग अलग कितना काम किया है वो क्या कहलाता है? सीमांत कहलाता है। ठीक है, तो पहले लेबर ने 4 काम किया है, दूसरे 2 का मिलकर कितना होया है? 10 काम होया है। लेकिन सेकंड लेबर ने कितना किया, तो हम क्या करेंगे? सेकंड में से फर्स्ट प्लस कर देंगे, कितना जाए हमारे पास? 10 माइनस 4 कितना आएगा बेटे? 6 आ गया है। पहले लेबर ने कितना काम किया है? 4 किया है। फिर थर्ड माइनस में 2, तीन लेबर का काम कितना है? 18 है। तो पहले 2 का कितना काम था? 10 था। तो तीसरे लेबर ने अकेले ने काम कितना किया है? क्या करेंगे बेटे हम? 18 माइनस में 10 क्या कर देंगे बेटे हमारे पास? 8। फिर 4 चौथे लेबर की निकालेंगे हम, फोर्थ लेबर ने कितना काम किया है? तो 4 लेबर का टोटल काम कितना हो गया? 28 हो गया। थर्ड तीन लेबर का कितना था? 18 था। तो क्या करेंगे बेटे हम? 28 माइनस में क्या कर देंगे? 18 कर देंगे, तो कितना आ गया? 10। इसी प्रकार पांचवें लेबर की एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, पांचवें लेबर की एफिशिएंसी कितना होगी? 12। तो क्या रिप्रेजेंट करें? एमपीए जो बेटे हमारा कंटिन्यू क्या होने लग रहा है? बढ़ने लग रहा है। पहले लेबर ने 4 किए, दूसरे ने 6, तीसरे ने 8,
चौथे 10 और पांचवे ने 12। इसका मतलब तो क्या, हर लेबर अपना मैक्सिमम यहाँ पर देने लग रहा है, जिससे हमारा कंटिन्यू सीमांत उत्पादकता हमारी कंटिन्यू बढ़ रही है। सीमांत उत्पादकता कंटिन्यू बढ़ने से, मार्जिन प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू बढ़ने से क्या दिखाता बेटे, उसे क्या कहें, कारक का प्रतिफल या इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। क्लियर बेटे? अब इसका डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम के द्वारा इसको क्या करेंगे बेटे, हम रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने ये यहाँ पर टेबल ली है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम, यहाँ क्या लिया हमने, ये ओ एक्स है, ये क्या बेटे हमारा ओ वाई है। यहाँ पर क्या लेंगे बेटे हम, टीपी लेंगे, क्योंकि टीपी को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। वेरिएबल फैक्टर लेंगे, वेरिएबल फैक्टर मीन क्या होता है बेटे, हमारे पास है लेबर होता है, वेरिएबल फैक्टर लिखो या तुम लेबर लिखो, अंडरस्टूड है, लेबर मीन क्या होता है बेटे, वेरिएबल फैक्टर यहाँ पर। ठीक है, और ये डायग्राम इधर बनाएंगे हम, क्योंकि एमपी और टीपी साथ में चलते हैं, जब भी हम प्रतिफल को दिखाएंगे तो टीपी और एमपी हमारा साथ में, क्योंकि एमपी डिपेंड करता है टीपी पर। एमपी क्या करता है, एमपी इंक्रीज है तो टीपी भी इंक्रीज है, एमपी कांस्टेंट हो गया तो ये भी कांस्टेंट हो गया है, एमपी घट गया काम करने की एफिशिएंसी लेबर की घट गई तो टीपी बेटे हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेबर हमने क्या बनाई थी, मैंने एक बिली टेबल बनी थी हमारी, 4 थी, उसके बाद 10 थी, उसके बाद 18 थी, 28 थी और 40 थी। जो ये टीपी है बेटे, क्या है टीपी, टीपी अनइक्वल रूप से बढ़ रही है, यानी कि भी 4 के बाद 10, 10 के बाद 18, यहाँ पर 6 का गया, फिर 8 का, फिर 10 का, तो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता 5, 10 सब इक्वल होती तो वो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, यहाँ पर जो टीपी बढ़ लग रहा है वो अनइक्वल रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा, मैंने तुम्हें डायग्राम में क्या बताया है, डायग्राम क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना मीन क्या दिखाता है, पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव स्लोप मीन क्या होता है बेटे, धनात्मक मीन, दोनों एक साथ इंक्रीज होने लग रही है। ठीक है, तो इंक्रीज तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, टीपी को मैंने क्या बताया, ये बनाया टीपी, टीपी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसमें बेटे फ्लेक्सिबल में है। एक बार तुम यहां तक समझो, ये फ्लेक्सिबल में है, फ्लेक्सी मीन क्या होता है, अनइक्वल रेट से बढ़ना, आगे बताऊंगी फ्लेक्सिबल क्यों है, स्ट्रेट क्या होता है। जबकि एमपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एमपी क्या आया था हमारा, एमपी ये आया था 4, 6, 8, 10 और 12, एक इक्वल गैप से बढ़ रहा है, दो दो का गैप चल लग रहा है इनके, इसलिए क्या हो गया, एमपी क्या हो जाए बेटे हमारा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहाँ पर क्या लेंगे बेटे हम, वही वेरिएबल फैक्टर लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, एमपी लेंगे। ध्यान रखना जब भी डायग्राम को तो मेंशन करते हो, ओ वाई और एक्स को हम दिखाएंगे, ओ वाई को हमने क्या लिया, ओ एक्स पर हमने क्या लिया, ये मस्ट होता लिखना। ठीक है, तो एमपी क्या रिप्रेजेंट करता है, एमपी की मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, इसका मतलब क्या होता है बेटे, यूनिट्स ऑफ लेबर है और सीमांत उत्पादकता हमारा क्या इक्वल चल रहा है, रेशो इक्वल है, इसलिए हमने क्या दिखा दिया इसको स्ट्रेट लाइन में। जबकि ये इक्वल नहीं है, ये क्या अनइक्वल रेट से बढ़ रहा है, इसलिए क्या करेंगे इसको फ्लेक्सिबल करेंगे। ठीक है बेटे, अब उसके बाद क्या कहता है, यो इसके कारण क्या है, बढ़ता प्रतिफल के कारण क्या है, भाई कंटिन्यू जब एक यूनिट फिक्स कॉन्स्टेंट हमारे पास है, स्थिर कारक है, स्थिर कारक के साथ अभी जब वेरिएबल फैक्टर को लगाने लग रही हैं, तो इससे हमारा उत्पादन कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो किस कारण कंटिन्यू बढ़ रहा है, क्या क्या हो सकते हैं। नंबर एक कहता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जो स्थिर कारक था उसका फुल यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, स्थिर कारक का पूर्ण उपयोग हो रहा है, इसमें से कोई भी इसके अंदर बेकार या बंजर जमीन नहीं बची है, जितना एरिया है एक एकड़ जमीन है उसका फुल्ली यूटिलाइज किया हमने। ठीक, इस कारण भी हमारा आउटपुट कंटिन्यू बढ़ने लग गया है। सेकंड कहता है परिवर्तनशील कारक कुशलता में, जो हम लेबर को, परिवर्तनशील कारक क्या हमारे पास लेबर है, हर लेबर के जो काम करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है उसकी, वो क्या होंगे कंटिन्यू बढ़ने लग गया। एक लेबर ने काम किया, दूसरे ने उससे बेटर किया, तीसरे ने उससे बेटर किया, चौथे ने उससे बेटर किया, हर लेबर की परिवर्तनशील कारक की क्या बेटे कुशलता में क्या होने लग रहा है, इंक्रीज होने लग रहा है। फिर कहता है कारक में उचित समन्वय, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ फैक्टर, जो स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक का कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, इक्वल आराम से आते हैं, सबको अपना अपना एरिया, अपना अपना जो पार्ट है वो एक अच्छी तरह से मिलने लग रहा है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़िया है। ठीक है, ये इसके क्या थे बेटे, रीजन थे। अब सेकेंड हमारा पॉइंट क्या आता है, समान प्रतिफल, क्या आता हमारा सेकेंड में क्या बोलेंगे इसको बेटे, हमें समान प्रतिफल। समान प्रतिफल क्या होता है, दूसरा क्या बेटे हमारा कारक का समान प्रतिफल, क्या बोलेंगे इसको बेटे हम, कॉन्स्टेंट पे कॉन्स्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर। कॉन्स्टेंट मीन क्या होता है बेटे, समान रेट से, इक्वल रेट से, सब हर
लेबर का, हर जो टीचर है 40 मिनट्स काम दे रहा है, 40 मिनट्स फर्स्ट पीरियड वाले ने दिया, 40 मिनट्स सेकंड पीरियड, 45 पीरियड तक 40 मिनट्स टाइम दिया, और सबके एफिशिएंसी क्या इक्वल है, इक्वल रेट से बढ़े, उसे क्या कहेंगे कॉन्स्टेंट कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बेटा हम समान प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग लिखेंगे हम, मीनिंग ब्लैक पेन डालेंगे, ब्लैक पेन से क्या कर, जब रजिस्टर कॉपी पर नोट करेंगे तो ब्लैक पेन लिख से मीनिंग एड पॉइंट बनाएंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे, फिर हम क्या करें ब्लू पेन से हम राइट करना शुरू करेंगे। मीनिंग क्या होता है, स्थिर कार्य के साथ जब हम परिवर्तनशील कार्य की इकाई को लगाते हैं तो उसका समान रूप से उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, समान रूप से उत्पादन बढ़ता है मीन जो सीमांत उत्पादकता सबकी क्या होती है, समान होती है। मेन डिपेंड करता है बेटे, कोई भी मीनिंग है, कोई भी बढ़ता प्रतिफल है, समान प्रतिफल है या घटता प्रतिफल है, सबका क्या होता है बेटे, वो डिपेंड करता है एमपी पर। किस पर डिपेंड करता है, एमपी पर डिपेंड करता है। एमपी एमपी कंटिन्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब तो बेटे क्या हो लग रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अगर एमपी इक्वल स्थिर रह गया, एमपी क्या बेटे हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, स्थिर है, सबकी काम करने की एफिशिएंसी इक्वल है, कोई कम ज्यादा नहीं कर रहा, तो उसे क्या कहेंगे समान प्रतिफल करेंगे। डिपेंड करता है एमपी में क्या होता है बेटे, वो होता है हर लेबर की एफिशिएंसी, हर लेबर की जो वेरिएबल फैक्टर है उसके काम करने की क्षमता क्या है, सबके काम करने की क्षमता इक्वल, तो उसे क्या कहेंगे समान प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, जब भी मीनिंग लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे तो इसको मेन करेंगे, इसको मेंशन करना जरूरी होता है, इस पर डिपेंड करते हैं जितने प्रतिफल हमारे। ठीक है, तो सीमांत उत्पादकता अगर हमारी समान रेट दर से बढ़ रही है उसे क्या कहेंगे समान प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन किसके, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बेटे हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू हैंसन, हैंसन के शब्दों में बताएंगे डेफिनेशन को, जब कार्य के समान प्रतिफल के नियम के अनुसार क्या कहेंगे बेटे हम, कार्य के समान प्रतिफल उस समय प्राप्त होता है जब परिवर्तनशील कार्य के साथ क्या करने लग रहे हैं हम, सीमांत उत्पादकता का समान रूप से उपयोग करने होने लग रहा है, उसे क्या कहेंगे सीमांत उत्पादकता कहेंगे। ठीक है बेटे, क्या कहेंगे इसको, कॉन्स्टेंट टू रेफर और कुछ बहन एडिशनल यूनिट्स, एडिशनल यूनिट्स क्या होती है पर लेबर, एडिशनल यूनिट्स क्या होती है लेबर पर वेरिएबल फैक्टर, एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजिंग आउटले ओनली एट ए कॉन्स्टेंट रेट, ओनली कॉन्स्टेंट रेट। ठीक है बेटे, उसके बाद अब हम डेफिनेशन मीनिंग लिख के उसके बाद क्या करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे, वही क्या लेंगे हम यूनिट्स ऑफ लेबर लेंगे। ठीक है, मेन वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे हम यूनिट्स ऑफ क्या कहेंगे लैंड। ठीक है, भूमि की इकाई या, उसके बाद टीपी मेंशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेटे हमें एमपी मेंशन करेंगे, वही सेम है, सेम यूनिट लिया हमने 5-6। ठीक है, उसके बाद जो लैंड है हमारी ये क्या बेटे इक्वल कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब एक लेबर ने कितना काम किया 5 किया, दो ने मिलकर कितना कर दिया 10, तीन ने मिलकर कितना किया 15, चार ने 20 और पांच ने कितना कर दिया बेटे 25 काम कर दिया। इसका मतलब क्या होना, इक्वल 10 से बढ़ने लग रहा है, सबका गैप क्या इक्वल। तो जो एमपी निकालेंगे, एमपी कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस में फर्स्ट है, तो क्या करेंगे 10 माइनस में ये मीन पहले ने 5, 10 माइनस 5 कितना आएगा 5, तीसरे ने 15 माइनस में 10 कितना आएगा 5। तो इसका मतलब क्या कहेंगे बेटे, सीमांत उत्पादकता क्या हमारी समान रेट से कॉन्स्टेंट है, समान रेट से बढ़ने लग रही है, सबकी एफिशिएंसी क्या इक्वल इक्वल है। ठीक है, तो सीमांत उत्पादकता बेटे हमारे क्या है समान है। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे हम इसको कॉन्स्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर, इसका डायग्राम मेंशन करेंगे हम। डायग्राम में क्या लेंगे बेटे हम, ओ एक्स लेंगे और ओ वाई लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे हम सेम टीपी, यहाँ पर क्या लेंगे लेबर लेंगे, मीन क्या बोलते हैं इसको वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं। इसके इक्वल में किसको मेंशन करेंगे हम, वही सेम यहाँ पर क्या लेंगे हम वेरिएबल फैक्टर लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे बेटे एमपी लेंगे। ठीक है, तो एमपी अब देखो मैंने क्या कहा था, एमपी इंक्रीजिंग में क्या था बेटे हमारा टीपी यू था, फ्लेक्सिबल था, बता था मैंने कि बढ़ तो लग रहा है पॉजिटिव स्लोप तो, लेकिन फ्लेक्सिबल है यू क्योंकि उसके अंदर गैप इक्वल ही था, लेकिन यहाँ पर टीपी के अंदर क्या बेटे गैप इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए क्या बन जाएगा स्ट्रेट बन जाएगा, बिल्कुल 45 डिग्री कोण बन जाएगा, क्योंकि दोनों का जो कोरिलेशन है कॉन्स्टेंट है हमारा क्या वो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होने लग रहा है, वेरिएबल फैक्टर का भी और कॉन्स्टेंट का भी दोनों का रेशियो क्या हमारा समान रेट से बढ़ने लग रहा है, इक्वल इक्वल गैप चलने लग रहा है। ठीक है, जबकि एमपी क्या बेटे हमारा स्थिर है, एमपी क्या बेटे हमारा स्थिर है, एक लेबर ने काम किया तो भी 5, दो ने काम किया 5, तीसरे का एफिशिएंसी 5 थी, चौथे की एफिशिएंसी 5 थी, पांचवे की भी एफिशिएंसी 5 थी, इसलिए क्या कहेंगे इसको समान दर से बढ़ने लग रहा है। ठीक है बेटे, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारण ये हो सकते हैं कि भाई जो इनका रेशो है वो क्या है इक्वल दर से बढ़ने लग रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है इनका इक्वल है, यहाँ तक हम इसको वीडियो करेंगे, आगे जो बस था उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।